मैं इस वक्त हूं जम्मू से 35 किलोमीटर की दूरी पर चंदूचक अब्दुलिया में। आपको याद होगा एक सवा महीना पहले मैंने एक कहानी यहां से की थी, एक पंच के घर की। वो पंच फूट फूट कर रो रही थी, उसके बच्चे परेशान थे। जब बारिश आती है तो हम किसी के घर जाते हैं, हमें शर्म आती है। आपकी याददाश्त के लिए पहले आप ये पिछली कहानी के कुछ पल आप देख लीजिए। क्यों रो रहा है पुत्र, क्यों, क्या मन करता है? हमारा ये मन करता है हम बड़े सुर में पड़े। अच्छा जी, इनको कपड़े डालो, अच्छे घर रखो, मैं नहीं जाती पेश। मेरी ये हालत, जब मैं पेंच बनी मैं किसी का क्या बनाऊंगी? मैं खुद नहीं अपना बना सकी, मैं किसी का क्या बनाऊंगी? आप ही बताओ मेरे को। आपका घर बन जाएगा, आपका अपना घर बन जाएगा, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। आपके पापा भी हर कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक करते तो हैं, मेहनत ना इस वीर सिंह जी, आप भी पंच रहे हो, कुछ नहीं किया अपने लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं यार। क्यों नहीं किया अपने लिए कुछ? बस यही सर, आप ऑडिशन में करते रहे। लोग ये भी लोग बोलते हैं, जिस जो पंच है उसका मकान नहीं बन सकता। मम्मा जी मरेंगे तो चारे किट्ठे मरेंगे, अलग अलग तो नहीं रहेंगे, फिर हमने किसके साथ रहेंगे जो आपको कुछ हो गया तो? और जो भी कोई हमारे हिस्से की कोई जो भी आएगी ना, वो हम आपसे मतलब कनेक्ट करके वो हम पूरी कोशिश करेंगे, हम की हेल्प करेंगे। आपको याद आ गया होगा ये तस्वीरें देखने के बाद, नरेंद्र कौर इसकी पंच थी, पंच हैं अभी भी हैं, उससे पहले पंच थे इनके पति, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये खबर चलने के बाद वीडियो ऑफिस जो है वो थोड़ा हरकत में आया, उन्होंने कहा कि हम कुछ करेंगे। इनकी फाइल को शायद देखा गया, उसमें से धूल झाड़ी गई, लेकिन हमने वक्त दिया था कि 10-15 दिन के अंदर कुछ हलचल हो गई तो हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इस परिवार को हम इस हाल में नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ नहीं हुआ जनाब, कुछ नहीं हुआ, वो वापस हो गए। कुछ देर के लिए हमने झंझोड़ा था, नींद खुली थी, लेकिन वापस हो गए। अब इस परिवार को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, काफ़ी लोग सामने आए, उन सब से मैं आपको मिलाऊंगा। अभी सारा घर इनका पुराना घर जो था वो मुझे नहीं लगता कि उसको डिमोलिश भी बोलेंगे, वो पहले ही डिमोलिश था, सिर्फ वो मलवा यहाँ से हटा दिया है, अब इनके लिए नया घर बनाने बन रहा है, ये काम चल रहा है और इसकी शुरुआत जो है आज से हुई है। क्योंकि चीज़ों में वक्त लगता है, फंड्स इकट्ठे करने में वक्त लगा, सिविल सोसाइटी सामने आई और खुलकर सामने आई, उन सबसे मैं आपको मिलाऊंगा। ये जो हैं पंच रह चुके हैं, जो खुद काम कर रहे हैं यहाँ अपने घर बनाने में, और मुझे लगता है इस परिवार को इससे ज़्यादा खुशी कोई और नहीं हो सकती, इनका घर बन रहा है। लेकिन अफसोस, सत अफसोस कि सरकार नहीं बना रही है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास सोच नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनको कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, क्या कहें इससे ज़्यादा, हम क्या कहेंगे इससे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पंच हैं, इस गांव के पंच हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये नरेंद्र कौर जी हैं जो इस गांव की पंच हैं। नरेंद्र जी वो याद होगा आपने, हाँ, आप बड़ी बुरी तरह से आप रोए थे, अपनी हालत बताई थी, आज क्या हालात हैं? आज भैया मेरे को अच्छा लग रहा है, सबसे बड़ा दिन लग रहा है, खुशी है, बिल्कुल आपकी भैया सभी करमा चल रही है, काफी लोग सामने काफी आए, सब आ रहे हैं, एक दो दिन में आते ही रहता है देखने के लिए। आप बच्चों को वो शर्म नहीं आई किसी के घर जाने में जब बारिश आ जाती है? ना, तो वो मुश्किल बहुत, हाँ बस अब भी नहीं आएगी, पहले तो बहुत शर्म सुनते है किसी के घर जाना, बोली मम्मा हम नहीं जाएंगे। तो सरकार से सामने आया, सरकार से वीडियो मैडम ने मेरे को फोन किया था, वो बोल रही थी हमारे फंडस में पैसा नहीं है, पैसे खत्म हो गए, खत्म हो गया, क्या था साल लगेगा, दो साल लगेगा, आप जो बना रहे हैं उनसे बनवा लो, बनवा लो, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इस बैक टू विलेज में काम किया आपने? ना, मैं बिल्कुल नहीं गई, मेरे घर आई, मैंने उनको बोला, मैं दो बार किया, आप दो बार मेरा लिख के ले गए, मेरा क्या बनाया आपने,
तो मैं सरपंच भी साथ भी आया था, मैं उसको भी बोला, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। फिर मेरे आया गौरव भाई मेरे से साइन करवाने, मैंने नहीं की, मैंने भैया मैं नहीं करूँगी, मैं तो छोड़ दिया इसको, ठीक है। बिल्कुल मैं लाइज डूबिलिंग में गई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गई। ये पंच हैं बैक टू विलेज का, जो दम भरते हो आप इन्हीं के, यही लोग हैं जो लोगों की आपको खबरें देते हैं, जनाब इनका घर कच्चा है, इनको मुसीबत है, इनका नोट कर लो, ये अपने बारे में कुछ नहीं कह पाए। ये कहानी, ये वो छोटी बच्ची है। बेटा खुश हो आज, घर बन रहा है आपका? हाँ अंकल जी खुश हो। खुश हो, अच्छा लग रहा है आज? हाँ। चलो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। ये नरेंद्र कौर जी की छोटी बेटी है, एक बड़ी बेटी भी है, अब वो अभी कहीं बाहर गई है, और ये इनके पति हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिन आज इनके लिए, दिवाली भी है, ईद भी है, सारे त्यौहार आज ही हैं। आपका नाम भूल गया मैं। जसवीर सिंह। जसवीर सिंह, जसवीर सिंह जी, क्या क्या बना रहे हो, क्या बन रहा है? सर बहुत कुछ बना रहे हैं आज, तो बहुत मन खुश खुश हो रहा है। खुश हो रहा है? मैंने तो ये भी सोचा नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं लगता था कभी, सपना नहीं सब, मैं तो सपने भूल गया था मेरा घर बनेगा। आज तो मन में बहुत खुशी, जब अब सिविल सोसाइटी के लोग सामने आए ना, तब क्या हम खुश चल रहे हैं, खुशी खुशी काम कर रहे हैं। जी सर क्या बना रहे हो, दो कमरे हैं? जी सर इसमें दो 11x13 के रूम है, एक एक छोटा रूम है सामने दस का, उधर जो रखा है वो अपना कट रखा है, कट रखा है, इधर बरांडा आएगा आगे 11x7। बच्चे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अब अच्छे से पढ़ाई भी कर सकेंगे, दिमाग भी थोड़ा ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत टेंशन करते थे, बहुत टेंशन थी। हाँ पहले ही मैंने बोला था, फिर टेंशन करते हैं, बाहर छाती या फैर गुटी तो बेचारे ऐसे मुँह ढक लेते थे, भी मरने मरना पता नहीं कब मर जाना है। लेकिन अपने पड़ोसी ठीक थे, अच्छे थे, उठा के ले जाते थे, तो हम थोड़ा उनसे गुजारा कर लेते थे। सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं सर सरकार ने, सरकार पर तो बहुत गुस्सा है, होना भी चाहिए। मेरे मेरे घर पे आते ना, उसी दिन आए थे, मैं घर पे नहीं था, इधर मैं थोड़ा पानी खाना खुना खा के बैठा था, बैग टूबली बिल्ड वाले आए थे, इन्होंने बहुत कुछ बोला। पहले भी हमारे जो पंच छे है ना, सरपंच तो उसकी घर वाली है, नैब सरपंच है वो, तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे हमारे लिए, लेकिन हमारे छः पंच उन्होंने बहुत कुछ बोला। क्या देखेंगे, बार बार लोगों के घर जाके देखेंगे, कितने शर्म होंगे लोग जिनके बच्चे जवान हैं, बार बार जाके देखेंगे, क्या देखेंगे। मैंने बोला भी नहीं जाने देना, बैग टू विलेज में नहीं जाओ, अपना काम, इस पर हिस्सा नहीं, 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 नहीं। मैंने बोला हमारा अपना काम चल रहा है, खुद के घर आग लगी हो तो किसी की आग क्या बुझाओगे, क्या बुझाएं। जी सर मैं कहता था कि सियासतदान लोग पता नहीं कैसे चले जाते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया होता वो कैसे वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड आज ब्रेक कर दिया बैक टू विलेज वालों ने। पता नहीं कैसे इनके घर आ गए, किस मुंह से आ गए, क्या सोच के आ गए, वो समझ नहीं आता। चलो इन्होंने बाइकआउट किया है, पंच हैं अभी यहाँ के, करंट पंच हैं नरेंद्र कौर, इन्होंने बाइकआउट कर दिया कि बैक टू विलेज में हम हिस्सा नहीं लेंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब मैं आप लोगों को उन हीरो से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। उनसे मिलाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। हेल्पिंग एंड ट्रस्ट ने 20 बैग उन्होंने कहा वो हम देंगे। खुशवीर सिंह हैं और मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं हेल्पिंग एंड ट्रस्ट से, उन्होंने ये अनाउंस किया, शायद अकाउंट में पैसे वो डाल भी देंगे थोड़ी देर में 20 बैग के। उसके बाद अजमीत सिंह हैं जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह से, अजमीत सिंह को, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े अच्छे कामों के लिए वो सामने आते हैं, उन्होंने कहा है कि एक कमरे का जो सरिया लगेगा वो मेरी तरफ से है। ये जो मैं अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे कही हैं कि ये हम करने जा रहे हैं, ये वो करेंगे। गुरु नानक मिशन ने कहा है कि जिस दिन इनका लंटर पड़ेगा, छत पड़ेगा, उस दिन जितना भी लेबर लगेगा उसका खर्च हम देंगे। मुझे लगता है शायद ये लोग सभी मिलकर सामने आए हैं तभी ये पॉसिबल हो पाया है। सिविल सोसाइटी ये मिलकर सामने आए हैं, लेकिन अफसोस ये होता है, काश इसमें कोई सरकारी ऑफिसर होता, कोई सियासतदान होता, बोलता जी सरकार के पास फंड नहीं है, मेरे पास तो हैं, मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, 10 रुपये ही दे देता, 50 रुपये ही दे देता, 100 रुपये ही दे देता, लेकिन वो कोई सामने नहीं आया।
उस 50-100 की इतनी अहमियत नहीं है, उस फीलिंग की जितनी अहमियत है, वो नहीं आया। देखा होगा उन्होंने, शायद शर्म भी आई हो कि इस मुँह से ये अनाउंसमेंट भी करें, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको सामने आना चाहिए था। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ऐसी एक कहानी चली थी रियासी से, और वहाँ की जो SSP साहिबा हैं वो सामने आई थी एक मदद करने के लिए। ये वो हीरोज़ हैं जो खुलकर सामने आए हैं। ये जो NGO है, J&K सिख फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भूल जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के नाम, क्योंकि काफ़ी लोग सामने आए हैं। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। उपेंद्र जी, जी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम J&K वेलफेयर फोरम है। इसके हमने कोई ऑफिस बेयर में 7 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। सबसे पहले मैं आपके जर्नलिज्म को सल्यूट करना चाहता हूँ। जैसे आप रिमोट ऑफ द स्टेट्स में जाके गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, दैट इज़ ए वेरी अप्रिशिएबल थिंग। तो ऐसे ही ये जो करने कराने वाला सब ऊपर वाला है। Absolutely. सोर्स कोई बनता है, जैसे आप सोर्स बने, हमने भी फेसबुक पे आपको देखा, तो फिर हमने ये एक फैसला किया सभी साथियों ने मिलके, जिसमें रिटायर्ड इंजीनियर्स भी हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो मैं उन सभी को भी धन्यवाद करता हूँ, और इन सर्विस लोग भी हैं इसमें। जब हमने इस फैमिली का जो आपके आपने जो कवरेज बताई थी, जब हमने वो देखी तो हर आदमी ने हमें खुद फ़ोन किया कि हमने इस फैमिली की हेल्प करनी है। ट्रू है। आप क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? हमने अभी तक तो 2 लाख की एक बता दिया कि 2 लाख तक हम यहाँ पे असिस्ट करेंगे, जिसमें आज हमने 100 बैग सीमेंट दे दिया है। तो हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स, इस एरिया में इंजीनियर्स जॉब कर रहे हैं, हम उनकी भी हमने, हरपाल जी हैं, मैं अपनी टीम से भी बताइए, हरपाल जी यहाँ पे PHE में लगे हुए हैं, ये इसको वॉच मॉनिटर करेंगे। ये डॉक्टर सुरजीत सिंह जी RL से रिटायर हुए हैं। ये नरेंद्र सिंह है, ये मैकेनिकल में AW हैं। ये हमारे जसपाल जी, ये रिटायर्ड SC हैं। तो ये सरबजीत जी, ये RW में लगे हुए हैं। तो ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज़्यादा लोग हैं फ़िलहाल। तो सिर्फ और आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो इस आपके स्टेट सेंटिनल की वजह से, नहीं तो हमें ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि हमने यहाँ आना है। आप लोगों के लिए ही कहानियाँ करता हूँ मैं, आप जैसे लोगों के लिए, जो दिल रखते हैं, नज़र रखते हैं, कान रखते हैं, आंखें रखते हैं, इन्हीं लोगों के लिए कहानी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मानवता है जिसमें, उन्हीं के लिए कहानी करता हूँ। ये लोग हैं सिख यूथ एसोसिएशन J&K ट्रस्ट के लोग। ये लोग भी मुझे वक्त कम देते हैं, जब भी कहानियाँ ऑन एयर होती है ये मुझे वक्त कम देते हैं। इनको भी होता है कि जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए। बलविंदर जी, पिछली बार भी आप आए थे, क्या करने जा रहे हैं? सत श्री अकाल जी। फिर जी, सबसे पहले मैं 2 बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मैं आपका और आपके चैनल का फैन भी हूँ, और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपकी बदौलत हमको ये घर देखने को मिला, ये परिवार देखने को मिला, और इस परिवार के लिए हम जितनी भी सिविल सोसाइटी सामने आ सके। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पहले कि मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, J&K सिख वेलफेयर फॉर्म का, जो ओपनली सामने आए हैं। अजमीत वीर जी आए हैं, गुरु नानक लंगर मिशन आया, जिन्होंने ऊपर छत की सेवा करने की सेवा लिया है। और मैं अपने उन वीरों का, सिख यूथ एसोसिएशन ट्रस्ट के वीरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने तिल फुल, अपना दसवंध, अपनी किर्त से जो भी निकाल के मतलब के इधर हमने दान किया। हमने सिख यूथ एसोसिएशन ट्रस्ट से हम इनको 20,000 रुपये का जो दान दे रहे हैं, वो अपने हरपाल वीर जी को जो क्यों देख रहे हैं, उनमें उन्हीं की देख मेरे काम चल रहा है, मदद चल रहा है। और उसके अलावा हम इनका इलेक्ट्रिक का जो भी है 10-15,000 रुपये की और मदद हम इनको करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। यहाँ के जो नायब सरपंच हैं वो भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी बात करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, पिछली बार भी सरपंच साहब यहाँ नहीं थे, इस बार भी सरपंच साहब यहाँ नहीं है। इतना बड़ा काम हो रहा है, सिविल सोसाइटी सामने आई है, सरकार ने कुछ नहीं किया, उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उनको इस पर अच्छा बुरा जो अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। वो यही कह देते कि जनाब मैंने कोशिश की थी, मेरी किसी ने सुनी नहीं, मैंने इनका फाइल लगाया था, कोई फीडबैक नहीं आया। मुझे पता है सरपंच ने अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने हैं, लेकिन उनके कंधों पर एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है वो आंसरेबल हैं,
आंसरेबल ये नहीं होता कि आपको मकान बना के देना है, आंसरेबल ये होता है क्यों नहीं बना, कारण क्या था, वो कारण बताना था हमें, आपको यहाँ होना चाहिए था। नायब सरपंच साहब यहाँ पे हैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, मुझे पता है आपने बड़ी कोशिश की खबर चलने के बाद, ऑफिस में भी गए, क्या वहाँ से क्या फीडबैक मिला आपको? मैं वहाँ गया था तो पहले तो मैं उन्होंने क्या किया था, वो कॉल की थी उन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की थी कॉल कि इधर से छोड़ दें इसे। बाद मैंने पूछा जाकर मैम आपने कॉल की थी तो क्या किया आगे, उन्होंने मुझे बोल दिया कि जसवीर सिंह नाम के दो बंदे हैं इधर जिन्हों की फाइल लगी हुई है। हम तो सिर्फ कंफर्म कर रहे थे कि ये कौन सा जसवीर सिंह अच्छा। है तो मैम उससे क्या होगा, बोल दिया हमने बस चेक करना था कि ये जियो टैग हुआ है, अगर जियो टैग हुआ तो हमारा क्लियर है, गवर्नमेंट देखे सरकार देखे पैसा देना नहीं देना। मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या सोचना, उन्होंने साफ मना कर दिया कि देश के हालात इस आप देख रहे हो तो हम कोई पैसा नहीं दे सकते आपको। देश के हालात क्या, जंग लगी हुई है क्या, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या सोचा उनकी, कोविड चल रहा है। हाँ वही कोविड की वजह से बोलते होंगे। फिर मैंने बाबा क्या करना, हमने हम वहाँ आते हैं एसोसिएशन वाले आते हैं सभी कह रहे हैं कि हम कुछ कमरा बना दें, अगर वो कमरा बना देंगे तो आप क्या करेंगे बाद में, तो उन्होंने बोल दिया कि साइड पर अगर बनाओगे तो फिर मैं सोचूंगी, अगर आप वहाँ बनाओगे तो फिर इसकी जियो टैगिंग खत्म हो जाएगी, हम कोई पैसा नहीं देंगे आपको। फिर मैंने देखा कि ये कुछ देंगे नहीं, तो फिर आप आए ये भैया आए सब आगे आए तो आज बन रहा है इनका मकान, बन रहा है। हाँ बिल्कुल नायब साहब, आप यहाँ पे आए हो हमसे बात की, यही होता है आप आंसरेबल हो, अगर आप नहीं होते तो मैं किससे ये जवाब मांगता, ये जो आपने जवाब दिया किससे, यही बात मुझे सरपंच साहब क्यों नहीं है, वो पहले भी नहीं आए, दूसरी बार भी नहीं आए, तीसरी बार आ रहा हूँ, नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, या तो पिछली जो जब इलेक्शन होती है दो फ्रैक्शन रखते हैं दिमाग में कि जो हमारे साथ है उनका काम करो, जो हमारे साथ नहीं है उनका नहीं करो, तो यही सोच है उनकी। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें वो बता देते, जैसे नायब सरपंच ने बताया कि ये कारण थे मैं गया था, ये कारण, यही बात वो भी बोल देते कि मैं गया था कोशिश कर रहा था, उनको यहां होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आपके लोग हैं, दूसरा बात ये आपका हिस्सा है, पंच हैं यहां के, ये पंच हैं यहां के। नायब सरपंच साहब ने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है, इसलिए कहा कि यहाँ जियो टैगिंग, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, देश के क्या हालात ठीक नहीं है, देश के कोविड सब कुछ तो कर रहे हो आप, छोड़ क्या रहे हो आप, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाने जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप, उस वक्त कोविड नहीं हावी होता, किसी की मदद हो जाए, किसी के बच्चे को छत मिल जाए, जो भी आपने अपनी जेब से नहीं देना है वो सरकार ने देना है। पता नहीं कौन से देश के हालात ख़राब हैं, जंग तो कहीं छिड़ी नहीं अभी। अब भाई यही था जनाब, अब नरेंद्र कौर जो सरपंच हैं, सिविल सोसाइटी की मदद से अब उनको बच्चों के आंख में आंसू नहीं होंगे, सिविल सोसाइटी की वजह से, ये बात याद रखना, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा शब्द क्या कहूँ बैक टू विलेज वालों को, वो भी ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, उनको बोला हुआ कि लिख कर लानी है प्रॉब्लम्स और रख देनी है, वो कर रहे हैं अपना काम, बस यही ग्राउंड रिपोर्ट है जनाब, सच ये है जो मैंने आपको दिखाया, ये सच है, बाकी सब झूठ। अगर ये कहा जा रहा है कि इनका बन गया है, बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, वो सब झूठ है, सच ये है इनके पास मकान नहीं था, हालात बद से बदतर थे, सरकार सो रही थी, कुछ देर के लिए जागी फिर सो गई, यही सच है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इनकी कुछ मुसीबतें जरूर कम होंगी। चंदू चक से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए।